देखिएगा आपके पास जो 10th चैप्टर है उसकी सेकंड एक्सरसाइज है आपके पास डेफिनेट इंटीग्रेशन। कहता है कोई फंक्शन है उस फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे। अब आपके पास डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर ये लिमिट और अप्लाई कर दी, ये लोअर लिमिट ये अपर लिमिट। तो कहता है इस स्मॉल एफ एक्स कोई फंक्शन है उस फंक्शन का हम सबसे पहले इंटीग्रेशन करेंगे, जो इंटीग्रेशन आएगा उसका नाम कैपिटल एफ एक्स रख दिया। फिर आपके पास ये लिमिट अप्लाई कर देंगे ए से लेकर बी तक, ये मोड नहीं है, ये लिमिट है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो लिमिट कैसी होगी, इस फंक्शन में एक्स की जगह पे अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, फंक्शन की वैल्यू बी पे माइनस में फंक्शन की वैल्यू ए पे। आपका आंसर आ जाएगा इस डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर प्लस सी नहीं आएगा। तो देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन है, जैसे 1 to 4 1 अपॉन में रूट एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, तो 1 अपॉन में रूट एक्स का इंटीग्रेशन कैसे होगा, रूट एक्स का मतलब पावर हाफ और इसको ऊपर लेके जाएंगे पावर माइनस हाफ, तो एक्स की पावर एन वाला इंटीग्रेशन का फॉर्म लगाएंगे क्या होगा, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन में एन प्लस 1 लिमिट 1 to 4, ये आ जाएगा 1/2। 1/2 का मतलब रूट एक्स अपोन में 1/2 अपोन में 1/2 कॉन्स्टेंट क्वांटिटी गुणा में और भाग में है, वो लिमिट से आप बाहर रख सकते हैं। फिर लिमिट है 1 to 4, तो ये 2 आपके पास बाहर आ जाएगा। एक्स की जगह पे एक बार 4 रख देंगे अपर लिमिट, माइनस में एक बार इस एक्स की जगह पे 1 रखेंगे तो 4 का रूट माइनस 1 का रूट, इसको सोल्व कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि नेक्स्ट आपके पास 0 to 1 1 अपॉन में 3x-4 इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो 1 अपॉन में लीनियर है, तो 1 अपॉन में अगर कोई फंक्शन लीनियर है तो उसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, लॉगरिथम में आएगा। लेकिन जो अभी आपने x माना है उसका जो डेरिवेटिव है वो अपॉन में साथ ज़रूर आता है इंटीग्रेशन में, तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 1/3, तो 1/3 आ जाएगा। अब लॉगरिथम जहाँ कहीं पर भी आएगा ये मॉडुलस है आपके पास, लॉग ऑफ एक्स की जगह पे इंटीग्रेशन में ये मोड एक्स आएगा, ध्यान रखना यहाँ पर ये मोड है और ये लिमिट के लिए है लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो ये 1/3 सारे के बाहर आ जाएगा। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो लॉग ऑफ एक्स की जगह पे 1 रखेंगे तो 3-4-1 इसका मोड माइनस में, लोअर लिमिट में एक्स की जगह पे 0 रखेंगे तो 0-4-4 का मोड लॉग। तो इसके बाद ये 1 अपॉन में 3 बार, ये माइनस 1 का मोड प्लस 1, ये माइनस अलग से है, माइनस 4 का मोड प्लस में 4 और 1/3 सारे के बाहर। तो लॉग 1 क्या आएगा 0 माइनस लॉग 4, लॉग 4 को क्या लिखेंगे, 4 को लिखेंगे 2 की पावर है 2 और लॉगरिथम की प्रॉपर्टी है जो पावर में है वो आगे आ जाएगा 2 log 2 आ जाएगा 1/3 बार, तो माइनस का 2/3 log 2 आपका आंसर आ जाएगा। बाकी पार्ट आप कर लेना। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में है आपके पास 0 to π/2 sin³x। अब ये जो इंटीग्रेशन है चाहे तो आप sin³x वाले फॉर्मूले से सोल्व कर लो या आप सब्स्टिट्यूशन से सोल्व कर लो, सब्स्टिट्यूशन से आसान रहेगा आपके पास। तो ये आपके बताया था जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है चाहे साइन हो चाहे कोस हो जिसकी पावर ओड है उससे दूसरा आपने टी मान लेना है। साइन की पावर ओड है तो कोस को टी मान लेंगे और कोस की पावर ओड है तो साइन को टी मान लेंगे। तो साइन की पावर 3 है तो पावर 1 को अलग करेंगे, बाकी पावर अलग कर लेंगे। जैसे यहाँ पर 5 होता तो पावर 1 अलग पावर 4 अलग, 7 होता तो पावर 1 अलग पावर 4 अलग, ये ओड पावर में सब्स्टिट्यूशन से होगा। पावर इवन है तो वो सब्स्टिट्यूशन से नहीं होगा, उसका क्वेश्चन आगे करवाएंगे। तो इसमें आपने पावर 1 अलग कर लेंगे, पावर 2 अलग कर देंगे। अब कोस एक्स को साइन की पावर ओड है तो कोस को आपने टी मान लिया, तो दोनों साइड में डेरिवेटिव कर देंगे, कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, एक्स का डी एक्स टी का डी टी, माइनस का निशान इस साइड में ले जाएंगे तो साइन एक्स डी एक्स आ जाएगा माइनस में डी टी। तो ये सारी की सारी वैल्यू हम टी में बना लेंगे तो डी टी आ जाएगा, तो सारा फंक्शन टी में आ जाएगा। अब ये जो वैल्यू होती है ना ये किसकी वैल्यू होती है, एक्स की। आपके पास फंक्शन सारा टी में आ जाएगा तो लिमिट भी आपके पास टी में आनी चाहिए। तो लिमिट कैसे कहाँ से चेंज करेंगे, जो आपने सब्स्टिट्यूशन किया है वहाँ से लिमिट चेंज होगी। अब ये एक्स की वैल्यू है, जब कोस एक्स टी है तो जब एक्स जीरो है तो टी कितना आएगा,
एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर देंगे। एक्स की वैल्यू जीरो पुट करते हैं तो टी कितना आ जाएगा, कोस जीरो इज इक्वल टू टी, और कोस जीरो कितना होगा वन। तो कहता है जब एक्स की वैल्यू जीरो है तो टी की वैल्यू वन आ जाएगी। उसके बाद एक्स की वैल्यू क्या है, पाई बाई टू। जब एक्स की वैल्यू पाई बाई टू है तो फिर वही सब्स्टिट्यूशन में रख देंगे, कोस पाई बाई टू इज इक्वल टू टी, और कोस पाई बाई टू कितना होता है जीरो, तो टी की वैल्यू आ जाएगी जीरो। तो देखिएगा ये जो वैल्यू पुट करते हैं तो माइनस में लिमिट आ जाएगी वन टू जीरो, वन माइनस साइन एक्स डी एक्स तो हो गया डी टी। अब बच गया था कोस साइन स्क्वेयर एक्स, साइन स्क्वेयर एक्स यहाँ पे लिखेंगे वन माइनस कोस स्क्वेयर, जब कोस एक्स टी है तो कोस स्क्वेयर टी स्क्वेयर क्या आ जाएगा कोस स्क्वेयर एक्स, तो वन माइनस कोस स्क्वेयर साइन स्क्वेयर एक्स की जगह पे ये रख दिया, साइन एक्स डी एक्स की जगह पे ये आ जाएगा, ये भी लिमिट ही आ जाएगी। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो वन का इंटीग्रेशन आ जाएगा टी, माइनस में टी स्क्वेयर का आ जाएगा टी क्यूब बाई थ्री, ये बार माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, लिमिट है वन टू जीरो। फिर वही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये माइनस का निशान बाहर रख लेंगे, टी की जगह पे एक बार जीरो रखेंगे, माइनस एक बार टी की जगह पे वन रख देंगे प्लस में। अब दो चाहे आप अलग अलग कर लेना भाई, इसके ऊपर भी लिमिट वन टू जीरो और इसके ऊपर भी लिमिट है वन टू जीरो, तो इसके अंदर वन बाई थ्री आ जाएगा बाहर, जीरो रखेंगे जीरो का क्यूब जीरो, माइनस फिर वन रखेंगे वन का क्यूब वन, इसको सोल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद जैसे पावर फोर का है तो पावर फोर का इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन से नहीं होगा, चाहे साइन की पावर फोर हो चाहे कोस की पावर फोर हो, तो इसके अंदर हम पावर फोर को स्क्वेयर का स्क्वेयर करेंगे, तो साइन ये आपके पास जब इंटीग्रेशन करवाया जब बताया था पावर टू जहाँ कहीं पर भी आ जाएगा तो कोस स्क्वेयर एक्स की जगह पे रखेंगे वन प्लस कोस टू एक्स बाई टू। अगर ये साइन की पावर चार होता तो यहाँ पर साइन होता, साइन स्क्वेयर होता तो यहाँ पर प्लस की जगह पे माइनस आ जाता, तो ये कोस स्क्वेयर एक्स की जगह तो ये वैल्यू पुट कर दी, इसका स्क्वेयर है तो ये स्क्वेयर कर दिया। अब ये स्क्वेयर का फॉर्मूला खोल लेंगे तो टू का स्क्वेयर फोर सारे के बाहर ले लेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वेयर का फॉर्मूला खोल देंगे, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा तो इसका फिर फॉर्मूला आपने लगाना पड़ेगा। तो वन का तो मैं ये वन बाई फोर सारे के बाहर है भाई, वन का इंटीग्रेशन तो आ जाएगा एक्स, इसकी लिमिट है वही आपके पास जीरो से पाई बाई टू, प्लस में कोस स्क्वेयर टू एक्स का फॉर्मूला फिर रख देंगे, वन प्लस कोस टू थीटा, टू एक्स है तो ये फोर एक्स आ जाएगा बाई टू, प्लस में टू यू का यू, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे कोस टू एक्स का साइन टू एक्स बाई टू, लिमिट जीरो से पाई बाई टू, इसका इंटीग्रेशन हो गया, इसका इंटीग्रेशन हो गया, इसके ऊपर देखो अभी भी इंटीग्रेशन का निशान लगा रखा है, इंटीग्रेशन अभी आपने करना है, तो वन अपॉन फोर इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यह आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, प्लस में ये अपॉन में टू आ जाएगा बाहर, वन का इंटीग्रेशन एक्स आ जाएगा, प्लस में कोस फोर एक्स का साइन फोर एक्स बाई फोर, लिमिट जीरो से पाई बाई टू। उसके बाद प्लस में ये टू हो जाएगा कैंसिल, साइन टू एक्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक्स यहाँ पे पाई बाई टू रखेंगे तो ये आ जाएगा पाई, साइन पाई माइनस जीरो रखेंगे तो जीरो, साइन जीरो भी जीरो होता है, साइन पाई भी जीरो होता है, तो ये आ जाएगा आपके पास वन बाई फोर पाई बाई टू माइनस जीरो पाई बाई टू प्लस वन बाई टू। अब इस एक्स के ऊपर जहाँ पर प्लस और माइनस का निशान आ जाएगा अलग अलग टर्म आ जाएंगे, इसके ऊपर भी लिमिट लगेगी इस पे, तो इस पे लगाते हैं तो जीरो से पाई बाई टू, तो पाई बाई टू इसको अलग अलग भी कर सकते हैं आप, जीरो से पाई बाई टू, ये वन बाई टू सारे के बाहर, तो एक्स यहाँ पे एक बार पाई बाई टू रखेंगे, माइनस एक बार जीरो रखेंगे, प्लस वन बाई फोर बाहर आ जाएगा, फिर एक्स की जगह पे एक बार पाई बाई टू माइनस एक बार जीरो, पाई बाई टू रखते हैं तो ये आ जाएगा टू पाई माइनस जीरो, तो ये वैल्यू भी जीरो थी, ये वैल्यू भी जीरो हो जाएगी सारी, साइन जीरो जीरो होता है, साइन पाई भी जीरो होता है, साइन टू पाई भी जीरो होता है, साइन एन पाई जीरो होता है, तो वह इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन ये आ जाएगा पाई बाई एट, प्लस में ये आ जाएगा आपके पास पाई बाई टू इंटू में टू पाई बाई फोर, और ये वन बाई फोर सारे के बाहर था पाई बाई सिक्सटीन, इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास थ्री पाई अपॉन में सिक्सटीन, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये दो क्वेश्चंस आपने करने हैं, बाकी के जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके पास नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएंगे, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना भाई, थैंक यू।